सायंकाल की इस पावन पवित्र वेला में इन सब पवित्र आत्माओं को मैं नमन करता हूँ, आप सब की उपस्थिति को वंदन करता हूँ। मुझे 2 मिनट चल दी गई, अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो 2 मिनट उसी में पूरी हो जाएंगे, इसलिए सबको श्रद्धांवत प्रणाम। ये वो धरती है जहाँ पर 1991 में मुझे पहली बार 6ठी क्लास में दाखिला लेने का अवसर मिला और 2001 में मुझे यहाँ से स्नातक बनने का गौरव मिला। ये वो धरती है जहाँ पर एक ऐसा बीज हमारे पिताजी ने यहाँ पर एडमिशन करवाया और ये सोच करके भाई ये बालक कल को इन बच्चों की तरह जैसे बैठ करके साधना करते हैं, ये तो सौभाग्यशाली जो कुर्सी पे बैठे हैं। हम तो यहाँ नीचे बैठते थे, जब ऊपर ये देवता लोग बैठते थे तो हम यहाँ नीचे बैठ करके इनकी तरह सुनते थे। यहाँ पर वो व्यक्ति बैठे हैं जो सारे के सारे, जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, इस धरती का भी एक ब्रह्मा था जिसको लोग स्वामी ओमानंद सरस्वती कहते हैं। ये सारे की सारी सृष्टि रची हुई उसी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि है। ये सारे के सारे वो दीपक हैं कि कहीं ना कहीं उसकी लौ से अपने जीवन को जगाया और जीवन को जगाने के बाद हम सबको जीवन के जलाने का प्रयास करते हैं। इतनी सारगर्भित बात कहने के बाद इस धरती के जो पहले आचार्य महावीर जी बोल रहे थे मुझसे पहले, एक बात आप अपने विश्वास के साथ लेकर के जाएं, जब भी आप गुरुकुल में आए जो माता पिता हैं जो अभिभावक हैं, जब बालक का गुरुकुल में पहली बार वेदारंभ संस्कार किया जाता है, जब आप अपने बालक को छोड़ करके जाते हैं, तो मेरे आचार्य जिन्होंने हमारा वेदारंभ संस्कार किया इस धरती के पूज्य आचार्य आचार्य विजयपाल जी, उन्होंने एक मंत्र बोलते हुए एक ब्रह्मचारी का हाथ अपने हाथ में लिया था और मंत्र बोलते हुए आहुति दिलवाई थी कि को असी कि तू कौन है, और फिर सामने से कहता वेदो असी कि मैं वेद हूं। फिर एक मंत्र से आहुति दिलवाई सब बच्चों के द्वारा जिनका वेदारंभ संस्कार किया गया, अग्ने सुश्रवा सुश्रवा असी कि तू गुरुकुल में क्यों आया है, तू आचार्यों के पास क्यों आया है। तो वेदारंभ संस्कार का ऋषि कहता, उस मंत्र का ऋषि कहता है, वेद भगवान कहता है कि जो माता पिता अपने बालकों को गुरुकुल में छोड़ करके जाते हैं और आचार्य उनको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो उस मंत्र से आहुति दिलवाते हैं कि ये अग्नि जो है ये सुश्रवा है, बड़ी चमक है इस अग्नि के अंदर, बड़ी एनर्जी इस अग्नि के अंदर। तो जो भी बालक इस गुरुकुल में आकर के वेदारंभ संस्कार से अपने जीवन को शुरू करता है तो अग्नि में आहुति देते हुए फिर अग्नि से कहता है कि हे अग्नि तू बड़ी प्रज्वलित है, मेरे माता पिता मुझे अपने जीवन को प्रज्वलित करने के लिए इन आचार्यों के पास छोड़ करके गए हैं और यहां बैठ करके मैं श्रद्धा के साथ यहां रह करके मैं अपने जीवन के साथ तप करके मैं अपने जीवन को प्रज्वल्यमान बनाना चाहता हूं, तेजस्वी बनाना चाहता हूं। अंतिम बात खत्म करते हुए मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। यहां से इस धरती से लेकर के अमेरिका तक के सपने देखने का अवसर भी इसी धरती पर मिला, वरना अगर ये गुरुकुल नहीं होता, स्वामी ओमानंद जी की कृपा नहीं होती, स्वामी दयानंद जिनको जो स्वामी श्रद्धानंद को सुनने के लिए गए, स्वामी श्रद्धानंद जो स्वामी दयानंद को सुनने के लिए गए, जैसे हमारे सुमेधानंद जी कह रहे थे, अगर वो अपने बच्चे को नानक चंद लेकर के नहीं जाता तो स्वामी श्रद्धानंद पैदा नहीं होता, स्वामी श्रद्धानंद पैदा नहीं होता गुरुकुल परंपरा पैदा नहीं होती, गुरुकुल परंपरा पैदा नहीं होती तो गुरुकुलों का उत्पादक गुरुकुल का पुनरुद्धारक ब्रह्मा स्वामी ओमानंद पैदा नहीं होता, और स्वामी ओमानंद पैदा नहीं होता हम जैसे गरीब किसानों के बच्चे कभी इस धरती से अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाते कभी भी। इसीलिए आप अपने बच्चों को छोड़ें, इस विश्वास के साथ छोड़ें। इन दिनों में न्यूयॉर्क में उपनिषद पढ़ा रहा हूं, प्रश्नोपनिषद का ऋषि कहता है वो 6 बालक पूछने के लिए जाते हैं, जैसे ये बालक अपने आचार्यों से पूछने के लिए आए कि हम जानते हैं लेकिन और जानना चाहते हैं। प्रश्नोपनिषद का ऋषि कहता है अगर तुम्हें और जानना है तो मेरे आश्रम में रहकर के 1 साल के लिए तप करें और तप करते हुए अपने जीवन में 3 चीजों को पैदा करें। पहली चीज उसका ऋषि कहता तप को धारण करें, दूसरी चीज उसका ऋषि कहता ब्रह्मचर्य को धारण करें, और तीसरी चीज उपनिषद का ऋषि कहता है कि श्रद्धा को धारण करें। हर माता पिता
अपने बच्चे को छोड़ करके जाए और इसी विश्वास के साथ जाए कि आपका बालक इन तीनों चीजों के साथ बड़ा होगा, और जब इन तीनों चीजों के साथ बड़ा होगा तो मेरी की तरह किसी स्टेज पर खड़ा होगा और ऋषियों की बात कहने का सौभाग्य उसको मिला होगा। अंतिम में उस देवता को जिसको मैं ब्रह्मा कहता हूं, जिसको स्वामी उमानंद सरस्वती कहते हैं, वो जिनके जीवन के द्वारा सींचे हुए ये पेड़ है, उसको नमन करते हुए चार लाइनें कहूंगा कि शहादत शहादत के दीवानों से पूछूंगा, मर मिटने की तमन्ना बेदारों से पूछूंगा, ए बुलंद छुती मीनारों तुम्हारी तो बुलंदी ही क्या है, स्वामी ओमानंद का पता चांद सितारों से पूछूंगा। ओम शांति।